प्लेयर को, एक और प्लेयर को डाउन करेंगे और इसी के साथ में आईकू सोल का जो सफर है वो खत्म करते हुए देखने को मिल जाएंगे विद इन द सेकेंड। और सेंस एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी बढ़िया वैल्यूज आपको यहाँ पे आते दिखी। बढ़ लीजिए, एक अच्छा ग्रेनेड चलता दिखा जॉनथन के द्वारा और स्पर्श को डाउन किया। बहुत बैठे तो हैं और कुछ प्रेज उनके ऊपर जाती दिखी जरूर, लेकिन कोई खास फायदा होता दिखा नहीं है। 5 फिनिशेस हैं हाइड्रा के पास। हाइड्रा इस गेम को बढ़िया बना के जा रहे खिलाड़ी और वहां पर उनका भी किया जाए, बट कॉर्डल के न्यू प्लेयर मूव लगाएंगे, रीसेट करेंगे और ये यहां से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक ग्रेनेड काफी रहेगी। कंफर्मेशन डोरा का निकाल सकती है, सिंस को डाउन कर सकती है और खिलाड़ी उसी आपको डिप के अराउंड मौजूद दिख रहे हैं। तो अगर आपने एक से दो ग्रेनेड्स का एक बौछार बनाया हर एक प्लेयर ने तो भी काम बढ़ जाएगा। 30,000 के पास 6,000 ग्रेनेड्स काफी रहेंगी, बट खिलाड़ी काफी दूर दूर बैठे हैं। जो वांटेड के ऊपर भी कनेक्शन, फाइट्स हर एक दिशा हर एक एंगल पर चलती दिख रही है उनकी तरफ से, लेकिन ग्रेनेड काफी ज्यादा जल्दी था। लेकिन चलिए, सामने की तरफ प्लेयर रहेगा, इजीली डाउन कर दिया जाएगा एक खिलाड़ी को। दूसरे खिलाड़ी की तरफ भी आगे बढ़ने का प्रयास रहेगा जॉनथन की तरफ से, टीबीएस उनके हाथ में। और जैसे आपने कहा था, वो कंफर्मेशन जो चाहिए था वो कंफर्मेशन की तरफ आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से वन की ये सिचुएशन रहेगी, गॉडलाइक के प्लेयर बहुत ज्यादा पीछे, यहाँ पे कवर की जरूरत रहेगी। और चलिए, वो कवर भी आता हुआ नजर आएगा, लेकिन जॉनथन उन्हें डाउन कर दिया जाएगा। क्या उनका कंफर्मेशन भी निकल सकता है? जिसके पास रहेंगे टोटल 5 और 5 में से अगर एक भी कनेक्ट हो जाए तो आसानी से वो आपको रश करते हुए देखने को मिल सकते हैं। जॉनथन बाहर की साइड आ चुके, अपने आपको हील करने का प्रयास रहेगा। ट्रायआउट ऊपरी एरियाज की तरफ आपको होल्ड करते हुए नजर आ जाएंगे। सिंस की तरफ से ग्रेनेड यहाँ पे आपको नजर आ सकता है, बट जॉनथन वो बाहर है, वो बिल्कुल सामने आपको देखने को मिल रहा है। ट्रायआउट का ग्रेनेड आया, स्पर्श को डाउन किया गया। हाइड्रा के लिए चीजें और मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। सिंस अभी भी वहीं पे है, उसी एंगल के ऊपर। क्या लूट? आई थिंक सो, वो कहीं ना कहीं वो प्रेटी गलती से खुल गई थी उनकी तरफ से। दूरा की बात करेंगे, वो एक अलग एंगल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। एक और ग्रेनेड वहां से किया जाएगा, लेकिन जॉनथन का वो ग्रेनेड दूरा को भी डाउन करेगा, स्पर्श को कंफर्म करेगा। हाइड्रा की टीम जो 4 प्लेयर्स को लेके आई थी, अब वो 2 प्लेयर्स पे आ चुके, लेकिन जॉनथन के ऊपर वो शॉट करने होगा, डाउन किया जाएगा सेंस के हाथों। एक आखिरी खिलाड़ी गॉडलाइक की तरफ से बचते हुए नजर आ रहे हैं और सेंस उनके सामने रहेंगे। ट्राई आउट, एक आखिरी खिलाड़ी। हाइड्रा के 2 प्लेयर्स को डाउन करना चीजें मुश्किल हो सकती है। सेंस का ये ग्रेनेड शायद से वहां पे प्लेयर को डाउन भी करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन सिंस के ऊपर जो डैमेज बना है वो काफी ज्यादा, और फियर्स दूर दराज से डाउन करेंगे गॉड लाइक के आखिरी खिलाड़ी। रिकनिंग यहां से तंग कर सकती है। जब वो निकलते देखेंगे, डैमेज देखिए ऑलरेडी दिया गया, बस स्पोक्स है, विजन नहीं होगा। अगर बिना विजन के तो डैमेज है, तो विजन आने पे क्या होगा? टूटू के द्वारा सिंस को डाउन कर दिया गया। टूटू अब थोड़ा सा और ढूंढना पड़ेगा खिलाड़ी का है, जहां वो एक हेड का मारकर आया तब तो फिर बचन नामुमकिन रहेगा। बट मोलोटोव चलेंगी, ग्रेनेड चलेंगी और फियर्स के द्वारा सिंस का वो कंफर्मेशन। फियर्स देखिए, काफी अच्छी स्ट्रेटजी की, आप आखिरी सर्कल्स में